सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, यदि आप सीआईएसएफ फायरमैन 1721 पोस्टों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट में वेरीफाई है मतलब क्वालिफाई है, तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। काफी सारे स्टूडेंट हमें मैसेज किए हैं कि क्या सर, जो अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई है, क्या उनपे ईमेल आ रहा है। दोस्तों, एक शॉर्ट ईमेल काफी वायरल हो रहा है और उस ईमेल में क्या बताया गया है, क्या जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लिए हैं, बात को समझिएगा थोड़ा सा, दो मिनट समय देकर दोस्तों, जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लिए हैं उसमें से छटाई करके जो अभ्यर्थियों को मेडिकल का लिस्ट बनाया गया है, क्या उनपे ये ईमेल आ रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में क्या आपके ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर कोई भी मैसेज आया है, तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये जो हमारे पास जो नोटिस है, ये नोटिस आप लोग देखे होंगे, देखिए यही नोटिस है, देख लीजिए नोटिस है, यहाँ पर सारा चीज बताया गया है, रोल नंबर था, यहाँ पर हाउसिंग नंबर था, इस सबको ब्लर कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सीएसएफ फायर अग्नि 2021 के पद हेतु संलग्न दस्तावेजों के कमियों के संबंध में, मतलब कि सीआईएसएफ फायर में जो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया उसमें दस्तावेज में कमियों के संबंध में, समझ गए आप, दिनांक 15/11/2023 को सीआईएसएफ आरक्षक अग्नि 2021 के पद हेतु दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए उपस्थित हुए थे, दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि आपके पास अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र जो केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में वित्तीय वर्ष 2021 वर्ष के जारी किया हुआ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वह 15 तारीख से शुरू हुआ और खत्म होने के बाद पुनः जितने भी अभ्यर्थी थे सबका डॉक्यूमेंट पुनः चेक किया गया, समझ गए, जो भी अभ्यर्थी सफल हुए थे, सफल अभ्यर्थियों में पाया गया कि ज्यादातर अभ्यर्थियों के पास जो भारत सरकार का, और हमने आप लोगों को सीएसएफ फायरमैन का जब भी हमने वीडियो बनाया तो कई बार आप लोगों को समझाया कि सीएसएफ फायरमैन में आप भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाइए, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, जो सीआईएसएफ का अपना फॉर्मेट है वह फॉर्मेट लेकर जाइए, नहीं तो बनवा लीजिए। लेकिन काफी सारे बच्चों ने बोला कि अरे यार चलो ऐसे क्या हो, तो चलिए दोस्तों वही बताया गया है कि काफी सारे बच्चों में 2021-22 का जो जारी किया हुआ भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र है वह नहीं है। अब देखिए, अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेज के मूल प्रति लेकर मेडिकल परीक्षण डीएमई के समय उपस्थित हो, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब जिस भी स्टूडेंट पे, देखिए ये व्हाट्सएप पे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया ये स्क्रीनशॉट है, समझ गए, और जिस भी स्टूडेंट पे यदि आप पे ये मैसेज आया है सीआईएसएफ की तरफ से, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, देखिए छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर डेट भी दिया गया है, समझ गए। तो जिस भी स्टूडेंट पे मैसेज आया है वह भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बना ले। अब रही बात, काफी सारे स्टूडेंट हमें कमेंट किए कि क्या सर, जो अभ्यर्थी मेडिकल के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1721 अभ्यर्थी का डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो क्या 1721 अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। तो दोस्तों देखिए, काफी सारे अभी स्टूडेंट से मैं बात हुई नहीं, यदि आप लोगों पे भी ये मैसेज आया है तो हमें कमेंट में बताइए कि हाँ हम पे ये मैसेज आया है, ये मैसेज है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र को बोला जा रहा है कि पुनः संकलन करो, समझ गया। और इस नोटिस में लिखा था कि जो अभ्यर्थी डीबी में क्वालिफाई हो गए थे उनका हमने डॉक्यूमेंट पुनः चेक किया, समझ गए, तो उनमें पाया गया कि उनके पास ओबीसी जो भारत सरकार का है वह नहीं है, समझ गए। और काफी सारे स्टूडेंट हमसे सवाल किए मैसेज कि क्या सर, जो स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है केवल उन्हीं के पास ये मैसेज जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है, अब आप लोग ही बताइएगा कि भाई आपके पास ये मैसेज आया है या नहीं, आप अपना ईमेल चेक करके, समझ गए। और काफी सारे स्टूडेंट ये भी दोस्तों बता दे कि भाई अभी किसको शॉर्टलिस्टेड किया गया है और किसको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है, ये जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। जब तक सीआईएसएफ
ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट या कोई लिस्ट जारी ना करे। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भाई आप लोगों का कब है मेडिकल, मेडिकल डेट हमने बता दिया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपका एडमिट कार्ड और मेडिकल की लिस्ट जारी हो जाएगा। यदि दोस्तों यदि आपके पास, समझ लीजिए, यदि आपके पास ये मैसेज आया है यानी कमेंट कीजिए, यदि आप भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं, यदि आप सेफ स्कोर के अंदर हैं तो प्लीज भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। समझ गए, भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए जो CISF के फॉर्मेट में। तो दोस्तों यही ईमेल है, बताया जा रहा है कि यह ईमेल अभ्यर्थियों पे आ रहा है जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, जिनको मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है उन पे आ रहा है। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप पे आया है। यदि आप पे ये मैसेज आया है तो समझिए आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई है, यदि किसी पे नहीं आया है तो समझ लीजिएगा ये अंदर की जानकारी है और नोटिस सामने निकल कर आया था। समझ गए दोस्तों, ये हमें स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, इसीलिए हमने इसको पक्का करने के लिए वीडियो बनाया कि आप लोग बताइए। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप पे ईमेल पर कोई भी मैसेज आया भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों घबराना नहीं है, किस काफी सारे बच्चों का यही क्वेरी है कि किसको मेडिकल के लिए सिलेक्ट करेगा किसको नहीं। तो दोस्तों ये तो 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों को सारी सूचनाएं मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।